हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू सिविल पितामह। मैं इंजीनियर पिंसिंग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह में। इंजीनियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियर्स के लिए। व्हाट इज प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं एंड इट्स पर्पज, इसे हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इंजीनियर्स चलते हैं इस वीडियो में। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम क्या होता है। इट इज अ रीइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल एंड द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। देखिए इंजीनियर्स, ये बीम ही होती है, रीइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम होती है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम फाउंडेशन और वॉल के बीच में। ये देखिए, ये रीइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम है, इसी बीम को हम प्लिंथ बीम बोलते हैं। और इसके नीचे जो होगा, बिलो द सॉइल जो होगा, वो फाउंडेशन पार्ट है। और इस प्लिंथ बीम के ऊपर जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसे ही हम प्लिंथ बीम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मेन पर्पस ऑफ प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का मेन पर्पस क्या होता है कंस्ट्रक्शन करने का। द मेन पर्पस ऑफ द प्लिंथ बीम इज टू प्रिवेंट द वॉल फ्रॉम क्रैक्स डेवलप फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। जो वॉल्स में क्रैक डेवलप होती है, इसे प्रिवेंट करता है प्लिंथ बीम। देखिए, जो हमारा सॉयल होगा और जो फाउंडेशन पार्ट होगा, उसमें कभी अनइवन सेटलमेंट्स हो सकते हैं, जिसके कारण जो है कि वॉल में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अगर हमने प्लिंथ बीम प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये जो अनइवन सेटलमेंट्स होंगे, ये प्रिवेंट करता है हमारा प्लिंथ बीम, जिससे कि वॉल में हमारे क्रैक डेवलप नहीं होगा। अब बात करते हैं, प्लिंथ बीम डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ वॉल ओवर द फाउंडेशन इक्वली एंड इवनली। हमारा जो प्लिंथ बीम होता है, वॉल्स के लोड को इक्वली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सॉइल में, फाउंडेशन में। देखिए, ये वॉल्स है, ये वॉल का जब लोड एक्ट करता है हमारे प्लिंथ बीम पे, तो ये प्लिंथ बीम यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सॉइल के अंदर। तो अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द प्लिंथ बीम, इसका एप्लीकेशन क्या है। इन अर्थक्वेक एरियाज इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड प्लिंथ बीम। जहां पे जो हमारे जोन है, जहां पे ज्यादा अर्थक्वेक आता है, वहां पे मैंडेटरी है कि हमें प्लिंथ बीम प्रोवाइड करनी चाहिए। इसका रीजन क्या है कि अर्थक्वेक आने से ग्राउंड के अंदर जो अनइवन अंडुलेशन होते हैं, या फिर जो फाउंडेशन के अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं अर्थक्वेक की वजह से, ये सारी चीजों को हमारा प्लिंथ बीम प्रिवेंट करता है, जिससे कि हमारा बिल्डिंग में कोई भी अनइवन क्रैक्स या कोई चीजें डेवलप नहीं होती हैं। अब मैं बात करूंगा फॉर द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग ओवर द नेचुरल ग्राउंड लेवल इट इज प्रोवाइडेड। हमारी बिल्डिंग को एक ग्राउंड लेवल प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर जो है कि हमारे बिल्डिंग में इंटर नहीं कर सकता। ये नेचुरल लेवल से थोड़ा सा ऊपर हाइट हमारी बिल्डिंग को प्रोवाइड कराता है। अब मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लिंथ बीम, हम इसे कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इसे बनाते कैसे हैं। मिनिमम डेप्थ ऑफ द प्लिंथ बीम शुड बी 20 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ शुड बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ फाइनल फाउंडेशन। जो हमारा मिनिमम डेप्थ होना चाहिए प्लिंथ बीम का, वो मिनिमम कम से कम 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो इसका विड्थ है वो फाइनल विड्थ ऑफ द फाउंडेशन के बराबर होना चाहिए। फॉर्म वर्क ऑफ प्लिंथ बीम शुड बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड विद एक्यूरेट डायमेंशन। जो हम फॉर्म वर्क करेंगे कॉन्क्रीटिंग के लिए प्लिंथ बीम के, वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड होना चाहिए, वेल मैनर्ड में वो लगा होना चाहिए फॉर्म वर्क। कॉन्क्रीट शुड बी पोर्ड केयरफुल्ली एंड वेल कंपैक्टेड। जो हम कॉन्क्रीट करेंगे वो पोर्ड काफी अच्छे से होना चाहिए और कॉम्पैक्ट करना चाहिए पोर्ड करने के बाद। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द प्लिंथ बीम कॉन्क्रीट शुड नॉट बी लेस देन 20 मेगा पास्कल। जो कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ होगा हमारे प्लिंथ बीम का, वो 20 मेगा पास्कल से लेस नहीं होना चाहिए। इंजीनियर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपसे मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।